कोनिचिवा सुबोध देसु, नमस्ते। मेरा नाम सुबोध है, आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को अपना एक वीलॉग शेयर करने वाला हूँ। जी हाँ, ये वीडियो जापानीज से रिलेटेड नहीं है। इस वीडियो में मैं अपना कोलकाता का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। हम लोग बेसिकली एक प्रोजेक्ट हम लोगों ने बनाया था, वो प्रोजेक्ट टॉप 100 प्रोजेक्ट्स में, ऑल ओवर इंडिया से टॉप 100 प्रोजेक्ट्स में सिलेक्ट हुआ, जिसमें से वो प्रोजेक्ट इनोवेटिव एग्रीकल्चरल में थर्ड आए हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को टोटली जो कोलकाता का जो भी हम लोगों ने वहां पे घूमे फिरे, क्या क्या एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में मैं आप लोग को थोड़ा थोड़ा दिखाने की कोशिश करूंगा। ये वीलॉग मैंने पहली बार बनाया है, इससे पहले मैंने वीलॉग्स नहीं बनाए हैं, तो अगर कोई गलती हो तो प्लीज उसे मुझे बताएं, समझाएं, और मैं उसको कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले वीलॉग्स में मैं उसको ठीक कर पाऊं। ठीक है, तो इस एक्सपीरियंस को आप एंजॉय करिए और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। और जितनी भी व्यवस्थाएं थी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी व्यवस्था वहां पे थी वो सारी अरेंजमेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से थी और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से थी बेसिकली। तो इन लोगों ने सारा वहां से यहां से हम लोग का जाने का खर्चा, वहां पे रहने खाने पीने का खर्चा, होटल चार्जेस और फूडिंग से लेकर के और सब कुछ उन्होंने ही किया है। तो आप जरूर देखिए इस वीडियो को, ठीक है। तो अभी हम लोग कोलकाता पहुंच चुके हैं और कोलकाता में अभी हम लोग यहाँ पार्किंग स्पॉट पे खड़े हैं, उबर के आप वेट कर रहे हैं, देखते हैं। और एक सीन और हो गया है आज, अभी मेरा दोस्त अभिषेक वो कुछ पार्ट भूल गया हम लोग के जो मशीन के थे यहाँ पे प्रेजेंटेशन के, अभी और गया, अभी देखेंगे उसका क्या होता है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि ऑनलाइन उसको फ्लाइट से मंगाया जाए, देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी फिलहाल वेट करते हैं, ऊपर आ गई है, अभी हम लोग चलते हैं होटल में। तो अब यहाँ एक और इशू हो गया, हमारे ऊबर ड्राइवर ने एक गाड़ी ठोक दी है, वो देखें उधर तरफ एक के दिखाता हूँ, तो उसने वो गाड़ी ठोक दी है, अभी हम लोग यहीं फंसे हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। Hey guys, तो अभी हम लोग होटल पहुंच चुके हैं, होटल कुछ इस तरीके से है, रुके दिखा देता हूँ। शाम को आज हम लोग को वहाँ आईएसएफ जहाँ हो रहा है वहाँ पे जाना है, और अभी देखते हैं वहाँ के कुछ क्या चल रहा है वहाँ पे, क्या इवेंट्स हैं, हम तक उन सबको दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कवर कर पाए। और एक बस बाहर खड़ी है जो कि हमें वहाँ ले जाएगी, और अभी हम लोग तैयार हो रहे हैं, देखिए बैग वैग कर रहा है। हाँ, तो अभी हम लोग तैयार होते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ के सीन दिखाते हैं, ठीक है, क्या चल रहा है। ठीक है, ओके।
मेरे देख ही नहीं रहा सो गाइज़ अभी डॉक्टर हर्षवर्धन जी आके गए हैं और अभी मैं अभी तैयारी कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक मिला था प्रोजेक्ट अभी प्रेजेंट करने वाले हैं थोड़ी देर में और फिर आगे की अपडेट्स अभी दोपहर में देंगे ठीक है। सो गाइज़ अभी जो है कभी भी अभी जूरी जा सकती हैं और हमारा ये जो प्रेजेंटेशन है ये स्टार्ट हो सकता है, देखते हैं क्या और कब आते हैं। और फूडिंग का भी इंतज़ाम जो है इसके बाद में है और बाहर है उसको भी दिखाऊंगा ठीक है। तो अभी हम लोगों ने लंच कर लिया है और ये यहाँ पे हम लोग लंच कर रहे थे पीछे। हाँ और अभी लंच बड़ा अच्छा था, काफ़ी डिलीशियस था, बट हाँ तीखा नहीं था, काफ़ी मीठा मीठा था। खैर मिश्री दो ही खा चुके हैं और अब वापस अंदर जाते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तैयारी करने फिर आगे का हम लोग दिखाएंगे ठीक है। ये कुछ व्यू है यहाँ का। सो गाइस अभी ये जो है प्रेजेंटेशन हम लोग का ख़त्म हुआ है और अभी हम लोग यहाँ से वापस जा रहे हैं जो जहाँ मेन प्रोग्राम हो रहा है वहाँ पे और अभी बस इंतज़ार कर रही है तो बाकी का वीडियो उधर दिखाते हैं। सो गाइस अभी हम लोग बस का वेट कर रहे हैं यहाँ पे, जब अभी लेट कर रहे हैं पता नहीं क्यों, अभी पता ही नहीं यहाँ पे बस का नंबर भी नहीं लिखा हुआ है इन्होंने, पता नहीं चल रहा। तो अभी हम लोग अपने कोऑर्डिनेटर का वेट कर रहे हैं तब वो आए और हमें बस में बैठा के ठीक है भैया। अभी एक घंटे से हम लोग यहीं खड़े हैं और अभी बस का कुछ इंतज़ाम मतलब दिख नहीं रहा है, कब जाएगी कुछ पता नहीं है। तो तब तक चलें एक्सपीरियंस जानते हैं भी अभिषेक जी का क्या है आज का एक्सपीरियंस। काफ़ी अच्छा रहा और काफ़ी अच्छी बात सुनने को भी मिली, मोटिवेशन भी मिला उधर देख के भी और काफ़ी कुछ सीखने को मिला और भी लोगों को प्रोजेक्ट देखे वो भी अच्छे लगे, उनसे सीखने को मिला और हम लोग के प्रोजेक्ट के बारे में भी कुछ लोगों ने बताया कि आप इसमें और ये कर सकते हैं और इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, लेकिन किसी ने डिमोटिवेट नहीं किया। हम लोग पहले नर्वस भी थे बट हाँ काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे भाई, हमारा एक पार्सल जो छूट गया वो अभी तक नहीं आया बट उस प्रोजेक्ट को काफ़ी अप्रिसिएशन मिला, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग के पास जितने रिसोर्स हम लोगों ने उसी का इस्तेमाल किया और ठीक है, हम लोग का बेनिफिट हम लोग को काफ़ी मिला इसमें और आज का इतना ही है, बाकी कल का आपके शेयर। अब देखिए कल का प्रोग्राम कुछ ऐसा है कि कल हम लोग यहाँ 8 बजे होटल से निकलेंगे और यहाँ आएंगे और कल भी प्रेजेंटेशन है पूरे दिन और उसके बाद में कल इवनिंग में एंड हो जाएगा। इवनिंग में वही बताया जाएगा कि भाई कौन विनर है कौन लूज़र है वगैरह वगैरह, लूज़र थोड़े बताएंगे विनर ही बताएंगे। वी आर नॉट अ लूज़र। हाँ जी विनर्स के बारे में बताया जाएगा, फिर उसके बाद में 8 तारीख को यहाँ से निकलना है, हो सकता है देखें कोलकाता घूम पाएँ तो घूमेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये जो बिस्फा बंगला है यहाँ पहुँच चुके हैं यहाँ पे, अभी मैं दिखाता हूँ क्या है सीन यहाँ का। ये कुछ बिस्फा बंगला ऐसा दिखता है बाहर से, ये एंट्री है इधर से आओ देखिए, और इधर वाटरफॉल है देखिए, एंट्री उधर भी दिखा रहा है, पता नहीं क्या सही होगा। और फिलहाल हम लोग इधर जा रहे हैं और देखते हैं अब किधर डिनर है। यहाँ पे शाम को कुछ कल्चरल प्रोग्राम का भी व्यवस्था है इनका और फिर डिनर है, फिर उसके बाद में वापस बस आएगी, बस में फिर हम लोग बैठ के वापस होटल चले जाएंगे। देखते हैं अंदर क्या प्रोग्राम है, अंदर के प्रोग्राम्स की हाइलाइट्स दिखाएंगे
और ये कुछ फोटो क्या लगा है, बिस्वा बंगला कन्वेंशन सेंटर, आप देख सकते हैं सर, बड़ा गजब का लगा हुआ है। तो पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पीछे जो है बहुत बड़ा सा वाटरफॉल इन्होंने लगा रखा है, देखिए गजब का है। और शायद अभी लाइट उतनी अच्छी नहीं है तो शायद दिख नहीं रहा, बहुत अच्छा लगा है, सही में बहुत अच्छा वाटरफॉल है। तो अभी हम लोग ये बिस्वा बंगला के अंदर आ गए, इधर देखिए बहुत बड़ा सा, ये देखिए इसको, ये है बेसिकली बिस्वा बंगला, फाइव स्टार एकदम जगह है। इधर तरफ है ये आपका आईएसएफ का पूरा स्टॉल लगा हुआ है इस साइड में। हाँ किधर, उधर थोड़े जाना है, वो लग रहा है ना फाइव स्टार होटल है। लोग हम लोग अभी ये जो है जहाँ पे हमारा डिनर है वहाँ पहुँच चुके हैं, और ये डिनर की व्यवस्था देख लीजिए कितने बड़े हॉल में की गई है। और बता दूँ भाई ये पूरा हॉल जो है टेंट का बना हुआ है और एयर कंडीशनड है। और देख लें भाई फ़ोटो निकाल लें भैया, ये फ़ोटो निकाल रहा है अब। हाँ बैग बैग रख दो, बैग रख दो। अब ये देखो बहुत बड़ा सा हॉल है, अभी खाना थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, देखते हैं खाते हैं क्या कैसा खाना है यहाँ का, बहुत बड़ा यार। अच्छा भैया ये हॉल बहुत बड़ा है, अभी हम लोग पूरा हॉल का चक्कर काट रहे हैं, अब मेन्यू दिखाते हैं। तो भाई ये देखिए मेन्यू यहाँ का स्वादिष्ट भारत, ये इनका है, इन्होंने खाना तैयार किया भाई, बहुत कुछ है, रशियन सलाद भी है यहाँ तो, पोटैटो फेटा चीज़ सैलड, अरे गजब, पता नहीं क्या क्या है। और बाकी चीज़ तो वही है अपना नॉर्मल, आइसक्रीम गुलाब जामुन और रबड़ी है, और मलपुआ गिरने वाला है ये, और ये और ये गिर गया, अरे भैया यहाँ एक तो गजब की ठंडी हो रही है, एसी चल रहा है। अभी हम लोग खाना खाने बैठे हैं यहाँ, देखिए जमीन पे बैठ के तो वही अभी डिनर हो गया हम लोग का, और अभी हम लोग ये बिस्वा बंगला के बाहर अभी निकल रहे हैं, बस देख रहे हैं अपनी कि होटल कैसे जाएंगे, ठीक है। और आज का दिन तो बड़ा अच्छा रहा, आज तो प्रेजेंटेशंस हुए, मंत्री जी भी आए थे, और अब देखते हैं अभी। तो भाई अभी हम लोगों ने खाना वाना खा लिया, अब हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, अभी बाहर खड़े हैं बस का वेट कर रहे हैं, पता नहीं बस अभी 9 बजे आएगी बोला है, अब देखते हैं कितने बजे। और भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आप लोग का? बहुत ही बढ़िया था। और कुछ खास बात शेयर करना चाहेंगे आप? हाँ इंडिया के सभी विद्यार्थियों को ये आवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे ही फेस्टिवल में आते रहिए, और जो इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल है वो हर तरह का एक अनुभव शेयर करता है। मैं चाहता हूँ एक ना एक दिन इसमें भाग लेना हो, इसका अनुभव करने के लिए ज़रूर आना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल ज़रूर आना चाहिए। अब देखते हैं भाई कितने लोग आते हैं अगले साल, और हम लोग देखते हैं अगले साल हम ही लोग का आने का मौका मिलता है कि नहीं। हाँ और क्या, चले देखा जाएगा अगली बार, और अच्छा इवेंट करेंगे हम लोग, देखेंगे। और हैं यहाँ बड़ी अच्छी लाइटिंग है, अभी दिखाते हैं आपको लाइटिंग कैसी है, बहुत अच्छा इन्होंने सजा के रखा है, ममता बनर्जी साहब मैडम ने। हाँ जी कोलकाता का दुल्हन, नहीं इंडिया का दुल्हन कहते हैं। हाँ इंडिया का दुल्हन कहते हैं, द सिटी ऑफ जॉय। हाँ लेट्स सी, ये देखिए भाई लाइटिंग पूरी सिटी में, कोलकाता ऐसी सिटी है मैंने देखी है, पूरी सिटी में रात भर भाई लाइटिंग बहुत अच्छे से मतलब लगी हुई है। अभी तो ये कम है, और भी वीडियोस में आप देख। गाइस तो गाइस हम लोग अभी जस्ट पहुंचे यहाँ पे होटल में, बस ने बड़ा दूरी छोड़ दिया, पैदल चल के आ रहे हैं थोड़ा दूर से, थोड़ा थक गए आज तो, देखते हैं कल क्या होता है, ठीक है। तो आज का दिन तो वैसे अच्छा ही रहा, कल थोड़े छुट्टी बट आज जितना टेंशन था कल उतना आज हल्का हो गया, खाना भी बढ़िया था, काफ़ी हल्का काफ़ी हल्का। तो भी अब हम लोग सुनते हैं, हम करते हैं सुबह फिर मिलते हैं, ठीक है। तो भाई गुड नाइट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें, और हाँ कमेंट में जरूर लिखें कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, और क्या आप आईएसएफ के बारे में पहले जानते थे, अगर आप जानते थे या उसको विजिट किया है आपने तो उस कमेंट में जरूर लिख के बताएं, और अगर आप पार्टिसिपेंट रहे हैं उसके तो प्लीज़ 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 जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं, बात करने में काफ़ी अच्छा लगेगा आपसे।
और हाँ, अगर आप अंत तक यहाँ तक पहुंचे हैं और ये सब सुन रहे हैं तो आप लोग बहुत ही स्पेशल हैं। ये कुछ ही स्पेशल लोग होते हैं जो अंत तक वीडियो देखते हैं और ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बनाता हूँ, ठीक है। तो भाई आप लोग बहुत स्पेशल हैं और ये अगली वीडियोस भी आप ही लोगों के लिए बनती हैं जो कि एंड तक देखते हैं, ठीक है। तो भाई अगर अब अगली वीडियो अभी कुछ ही दिनों में आएगी, एक आध दिन में मैं अभी बना ही रहा हूँ, तो वो वीडियो भी अब एडिट करके मैं डालूंगा, ठीक है। तो देखते रहिए और फॉलो करते रहिए मुझे, ठीक है। तो फिर कल फिर मिलते हैं, मटने, बाय बाय।